और इस बीच बड़ी खबर आपको नई दिल्ली से बता रहे हैं, जहां प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देशवासियों का मैं कर्जदार हूं। उन्होंने सभी पूरी जनता का अभिनंदन किया, धन्यवाद जताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज बड़ा मंगल है, देशवासियों का मैं कर्जदार हूं। लगातार तीसरी बार सरकार बनना तय है। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश ने एनडीए पर पूरा भरोसा जताया, एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार तय है। उन्होंने कहा कि माताओं ने मां की कमी महसूस नहीं होने दी, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि देश बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। वहीं आज का भारत वैश्विक समाधान का हिस्सा है, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा। और आगे कहते हुए उन्होंने कहा कि डिफेंस सेक्टर में देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हर तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की नई दिल्ली से, जहां बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का स्वागत किया गया। जीत के बाद उनका ये भव्य स्वागत किया गया और इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में जीत का श्रेय जनता को देते हुए उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों का कर्जदार हूं। और इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि आज जो दिन है वो बड़ा मंगल है, कह सकते हैं आज मंगलवार का भी दिन था। और उन्होंने कहा कि बड़ा मंगल है, लगातार तीसरी बार सरकार बनना तय है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नई दिल्ली से, जहां मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश ने एनडीए पर पूरा भरोसा जताया, एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बनना तय है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ये जीत है लोकसभा चुनाव 2024 की। और चुनाव आयोग का पीएम मोदी ने इस दौरान अभिनंदन किया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत बताते हुए पीएम मोदी ने संबोधन में आगे कहा कि ये विकसित भारत के प्रण की जीत है और ये सबका साथ सबका विकास के मंत्र की जीत बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया पर मुझे गर्व है। और इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभाई और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई। जम्मू कश्मीर की बात की उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, एनडीए के हर कार्यकर्ता का उन्होंने हृदय से धन्यवाद दिया। पहली बार किसी सरकार की तीसरी बार वापसी हुई है ये कह सकते हैं। और ये बात संबोधन में पीएम मोदी ने भी कही, बीजेपी ओडिशा में सरकार बनाने जा रही है, पीएम मोदी ने कहा। और विजय के इस पर्व पर देश की जनता को उन्होंने नमन किया। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि केरल के कार्यकर्ताओं ने लंबा संघर्ष किया है, ये हमें 2024 में देखने को मिला और पीढ़ियों के इंतजार के बाद भी ये सफलता हासिल हुई। बीजेपी ने केरल में सीट जीती है, ये कह सकते हैं एक ऐतिहासिक जीत है। और पीएम मोदी आगे कहते हैं कि तेलंगाना में भी हमारी संख्या दोगुनी हुई, चार राज्यों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ। प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत में उन्होंने आंध्र प्रदेश की भी बात की, जहां उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में एनडीए का जो जनादेश रहा वो देखने लायक था। वहीं 10 साल पहले बदलाव के लिए ये जनादेश मिला। उन्होंने कहा कि ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला पल है। उन्होंने कहा कि मां के जाने के बाद ये मेरा पहला लोकसभा चुनाव है। उन्होंने भावुक होते हुए ये बात की और आगे उन्होंने कहा कि एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास की गारंटी होने वाला होगा। और 10 साल पहले जो है देश निराशा के गर्भ में था, पीएम मोदी ने कहा कि माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। संबोधन में आगे मोदी कहते हैं, जनता के सामने विनय भाव से नतमस्तक है, तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसले लेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर पीएम मोदी, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कही है कि अब जो तीसरा कार्यकाल रहेगा वो कई ऐतिहासिक और कई बड़े फैसले लेने वाला है, देश बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। ये बात पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कही, जहां आज का भारत वैश्विक समाधान का हिस्सा है। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो यहाँ
देश आत्मनिर्भर बनेगा, ये उन्होंने दावा किया है और हर तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जैसा कि हमने दूसरे कार्यकाल में देखा, कई ऐतिहासिक कार्य किए पीएम मोदी ने और उनकी पूरी कैबिनेट ने, वहीं अब वो आश्वस्त हैं कि तीसरा कार्यकाल जो रहेगा वो कई ऐतिहासिक फैसले लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ये संबोधन में सभी बातें रखी और उन्होंने शुरुआत में देशवासियों का कर्जदार बताया। बड़ी खबर नई दिल्ली से।